बहुत खुश लग रही हो। इसमें क्या शक है? जो चाहा वो हासिल कर लिया। मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। लीजिए सर। मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है। हाय अंकल, कैसे हैं? ठीक हूँ मैं। तुम्हारे पिताजी हमें भूल गए, लेकिन तुम हमें नहीं भूली, इसीलिए हम आए हैं। तुम हैप्पी हो ना? हाँ। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। हाय। मुबारक हो। लीना, ये सब कौन है? पापा के दोस्त हैं। ओह। क्यों, तुम उन्हें जानते हो? नहीं, जानने के लिए पूछा। ओह। आइए डॉक्टर। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। तुम तो कहा करते थे कि शादी नहीं करोगे, पर लीना ने तुम्हें राजी कर ही लिया। इसके अलावा तुम्हें कोई नहीं मना पाता। नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है। चलो, लीना की वजह से तुम्हें 35 साल की उम्र में शादी करने का ख्याल आया। हैप्पी मैरिड लाइफ बेटी, गॉड ब्लेस यू। हाय। हाय। मैंने जो ड्रेस लाई थी वो नहीं पहनकर दूसरी पहन ली, अब कैसे बदलूं? सर, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी बीवी को 10 मिनट के लिए लेके जाऊं, ठीक है ना? चलो ना। हेलो। बस 2 घंटे में आ जाऊंगा, उन्हें ऑफिस में इंतजार करने के लिए कहिए। मैं आ जाऊंगा। ओके, उन्हें मेल करने के लिए कहिए, मैं चेक कर लूंगा। और कोई अपडेट है क्या? ओके, हाँ ठीक है। क्या कहा? ठीक है, तुम आगे से मिलो। ओके, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, रखो, मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ। ठीक है, उन्हें इंतजार करने के लिए कहिए, मैं यहाँ से जैसे फ्री होता हूँ आता हूँ। अच्छी लग रही हो ना? अच्छी है, लेकिन तुम अपनी बर्थडे ड्रेस में सुंदर लग रही थी। नॉटी बॉय। मैं सच कह रहा हूँ यार, मान लो। अरे रे रे रे, कांता को मैं किसी भी तरह, यार किससे आइडिया पूछूं? डॉक्टर, मुझे तेलुगु नहीं आती है, मुझे किसी भी हाल में सीखनी है, बहुत परेशान हूँ डॉक्टर। मुझे पता है कि तुम क्यों परेशान हो। मैं उसे किसी भी तरह अपना बनाना चाहता हूँ, बताइए ना डॉक्टर। उसके बदन को छूना चाहते हो तो पहले उसके मन को छूने की कोशिश। मैं उसके मन को कैसे छूं डॉक्टर? उसके लिए तुम्हें अस्पताल आना पड़ेगा। क्या अस्पताल? ये तो जनरल डॉक्टर है, फिर काम चिकित्सक की तरह क्यों बोल रहे हैं? ओहो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इस्तेमाल करके खुद सीखना चाहते हैं? जो भी हो, जाकर देखता हूँ। तारा, ए तारा, मेरे साथ आँख मिचोली मत खेलो, कहाँ हो तुम? अरे बाप रे। अरे तारा, तुम बोरी कैसे बन गई? किक बॉक्सिंग है। ये क्या, लगता है इसने ज्यादा खा लिया है और कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। खून 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 खून। I'm sorry.
शुभ कार्य की जगह एक अशुभ कार्य हो गया है। आप लोगों ने यहाँ कितने दिन रहने का प्लान बनाया हुआ है? टू वीक्स। ओह, एक बात ध्यान से सुनो, ये बात मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं कि दोबारा आप लोगों से ना पूछूं। हेलो इंस्पेक्टर, मैं नरेंद्र हूं। आपसे सब सपना था। डर गई? क्यों, क्या हुआ? आओ बैठो। सो जाओ। मालकिन उठते ही कॉफी मांगेगी, जाकर दूध लेकर आओ, घर में थोड़ा ही दूध पड़ा है। क्या कहा? मैं जाकर दूध लाऊंगा तो तुम किस लिए हो? हाँ, ए तुझे चप्पल से मारूंगी। अरे कैसे मारोगी, चप्पल तो टूट गई है और मेरी भी चप्पल टूट गई है। ठीक है लाओ, दोनों की चप्पलें सिलवा लूंगा। दूसरा कोई काम है तो बता दो। सब्जियाँ नहीं है, खरीद लाना। क्या कहा? सब्जियाँ नहीं है? बगीचे में इतनी सब्जी है ना, जाकर तोड़ के बनाओ। ये सब कहने वाली बात है, अगर कोई और काम हो तो बता दो, कर दूंगा। फिर मत कहना तारा या नहीं। कॉफी अभी लाई मालकिन। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। घर का भी काम करो, मार्केट भी जाओ, ये भी करो वो भी करो, इनको तो कुछ करना नहीं है, है? मालकिन ये लीजिए कॉफी। कैसी आवाज थी? इतनी आवाज होने पर भी नहीं उठा। गौतम
गौतम, गौतम, गौतम। बेटी लीना, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, 2 घंटे में होश आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। एनीवे, गुड लक, गॉड ब्लेस। ओके डॉक्टर। कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। हेलो इंस्पेक्टर। क्या बात है डॉक्टर, फंक्शन खत्म होने के बाद अभी तक घर नहीं गए? एज अ फैमिली फ्रेंड मैं यहाँ ठहर सकता हूँ। लगता है आप यहाँ किसी की तलाश में आए हैं। डॉक्टर, 1 मिनट, आपके हॉस्पिटल का नाम क्या है? प्रीति हॉस्पिटल। आप ये जानने के लिए नहीं पूछ रहे हैं? कहीं मैं छिपा तो नहीं रहा हूँ, ये देखने के लिए पूछ रहे हैं आप? मैं हॉस्पिटल में ही मिलता हूँ इंस्पेक्टर, कभी भी मुझसे मिलना हो तो वहाँ मिल सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझसे खुलकर पूछ सकते हैं। ओके इंस्पेक्टर। ओके लीना। ओके डॉक्टर, बाय। अंदर आइए ना इंस्पेक्टर। गौतम इसी जगह के हैं ना? बचपन में ही यहां से चले गए थे। हाँ, गौतम के मम्मी पापा नहीं हैं। उनकी याद में ही इस घर को खरीदा था। शादी के बाद मैं ही उन्हें यहाँ लेकर आई। गुड, मैं जो सवाल करने वाला था उसका रिप्लाई आपने पहले ही दे दिया। आपने कहा था कि आप यहाँ 2 वीक्स रहने वाले हैं? हाँ। नंबर 6 कोडेकानल एस्टेट, कोडेकानल। आपके घर का ही पता है? अपनी आईडी आधार कार्ड पर यही पता दिया था ना? ऐसा नहीं है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ लेकिन गौतम यहाँ नहीं रहना चाहते। टी और कॉफी? टी। ठीक है मालकिन। जा जा जा, 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 चाय बना दे जल्दी से। साहब के लिए कॉफी बना, जल्दी जल्दी कर। ये लीजिए, वो लोग मेरे पति को कॉफी देने गए हैं। मालकिन! क्या हुआ? साहब नहीं है। अच्छी तरह से देखा? हाँ, देख लिया। आपके पति के पास कोई ब्लैक रंग की ड्रेस है? मतलब? मेरा मतलब है कि काले रंग का कुर्ता। हाँ। यस। इंस्पेक्टर, बताकर चाहिए क्या हुआ? इंस्पेक्टर सुनिए तो। पहले गौतम को ढूंढिए, गौतम को। गौतम, 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 गौतम,
गौतम, गौतम, गौतम, गौतम, गौतम, गौतम, गौतम, गौतम, गौतम, क्या हुआ गौतम? मैंने कहा ना इन्हें यहां से लेकर जाओ। चलो। गौतम, गौतम, जब देखो तब किताब पढ़ते रहते हो। लीना, 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 उठो लीना, लीना। एक काम करता हूं, अपने क्लिनिक को यहीं पर शिफ्ट कर देता हूं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ बारी बारी से बेहोश हो रहे, इसीलिए कह रहा हूं। डॉक्टर, आओ बताता हूं। मैं डॉक्टर को छोड़कर आता हूँ। डॉक्टर, घबराने वाली कोई बात तो नहीं है ना? घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, क्या करना होगा? प्रॉब्लम उसे नहीं है, प्रॉब्लम तो तुम्हें है गौतम। शादी के बाद तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। तारा, मालकिन के लिए कॉफी लाओ। अभी लाई मालिक। लीना, अंधेरे में क्यों बैठी हो? लाइट क्यों नहीं लगाई? सॉरी। किस लिए? कल रात तुम्हारा मूड खराब कर दिया था ना। पहले तुम्हारी हेल्थ जरूरी है।
एक मिनट। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैं यहीं पर ही हूँ। अरे आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, प्रोफेसर्स की मीटिंग है, कौन से सिलेबस पर हैं? ओ अच्छा, ये बात है, मेरा आना ज़रूरी है क्या? वो नाइट स्टे है, मैं ज़रूर आऊँगा, आप चिंता मत करिए। श्योर, थैंक यू। क्या हुआ? यहाँ कोडेकनल में प्रोफेसर्स की मीटिंग अरेंज की है, मेरा जाना ज़रूरी है, नाइट स्टे भी करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तारा, मालकिन का ख्याल रखना। ठीक है मालिक। तारा, मालिक का खाना तैयार करो। हेलो, कौन बोलिए? हेलो, मैं इंस्पेक्टर शिवा बोल रहा हूँ। मैं केस के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए। इसलिए क्या? इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, और अगर कहीं जाना है तो मुझे इन्फॉर्म करके ही जाइएगा। ओके ओके। उस इंस्पेक्टर को मर्डर केस में हम पर शक लग रहा है, देखते हैं। मौका अच्छा है, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरी बाहों में रहो। अरे मान जाओ। ये क्या है, मैं तेरा पति हूँ फिर भी तू मुझे छूने नहीं दे रही है, भगा रही है? जब तुझे मालिक बुलाते हैं तो मटक मटक क्या जाती है? हम दोनों पति पत्नी का नाटक क्यों कर रहे हैं? पैसों के लिए। पर तेरा नाटक ज्यादा ही बढ़ गया है। ओनर तुझे बुलाते हैं तो रेप को वास्तानु कहती है, और वो भी रेप को कहते रहते हैं। ये सब क्या चल रहा है यार? ए, हम दोनों अनजान हैं, ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो? इसका मतलब है तू कल जाएगी? सोच रही है। चलो जाओ यहाँ से। अब ये क्या होता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कैसे भी करके ये भाषा सीखनी होगी। पता नहीं किस कमरे में जा रही है। मेरे पीछे क्यों आ रही? अरे तू ही चाहिए, कपड़े सुखाने ऊपर जा रहा हूँ, चलना इससे पहले कि कुछ कर बैठूं। जा जाना। हमने अगर गलती की होगी तभी हमें डरने की जरूरत है, समझ गई? उसका काम मुझे करना पड़ रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम? कपड़े धो के सुखा रहा हूँ, और क्या। डराए बिना सुखाओ? डराए बिना सुखा कर कह के मुझे ही डरा कर ये तो जा रहे हैं। अरे जब मेरी बीबी मुझसे नहीं डरती तो दूसरा कोई क्या डरेगा। ये कार बार बार क्यों परेशान कर रही है? मैंने शराब भी पी रखे है। यूजलेस कार, एक सर खड़े उनसे पूछता हूँ। हेलो एक्सक्यूज मी, मैंने थोड़ी सी पी रखी है, आप ये मत समझना मैंने बहुत सारी पी है। पहाड़ पे चढ़ते समय मेरी कार में प्रॉब्लम आ गई। आपकी कार से मैं पहले आपको ड्रॉप करूंगा, उसके बाद आपकी कार से खुद को ड्रॉप करूंगा। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? लगता है ये भी कोई प्रॉब्लम है। मैं अच्छा नाचता हूँ, आई एम अ डांसर, मैं बहुत तेज कार चलाता हूँ, जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। एसी बंद कीजिए, बहुत गर्मी है। हेलो मिस्टर, ज्यादा लंबा रास्ता न बताकर सही पता बताइए। आप जाइए सर, मैं बताता हूँ। देखा सर, पूरी रात घूमकर सुबह घर पहुंच गए। और देखिए सर, मेरी बीवी किसी को टाटा कर रही है। सर अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताऊंगा, मैंने आपको ड्रॉप किया है ये बात मेरी बीवी नहीं जानती, वो बहुत गुस्से वाली है। मेरी बीवी गीता को देखी। सर अगर रास्ते में कोई तकलीफ हो तो भगवान के लिए मुझे कॉल मत करना, अभी कह देता हूँ। बाय बाय गीता, रात को बहुत देर तक इंतजार करती रही, सॉरी। वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें कभी मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओके मेंटल बेवकूफ आदमी।
मैं जो कहता हूँ खुद मेरी समझ में नहीं आता, उसकी समझ में क्या आएगा? हाँ, अच्छा डांस करती है। ए, मैं तेरा पति हूँ और तू मुझे ही धक्का दे रही है। तेरे अंदर इंसानियत है कि नहीं? हम दोनों की शादी को 10 साल हो गए हैं। लोग कहते हैं कि बच्चे करना तुम्हारे बस का नहीं है, एक बार ट्राई करने दो ना प्लीज। तुम मेरे पीछे आते हो, मुझे जरा भी पसंद नहीं। तो क्या करूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो ना, हम एक दूजे के लिए आओ ना बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन मुझे तो तारा जी आई मालकिन। अरे बाप रे, मेरा काम तमाम करके जा रही है, अब चाहे कुछ भी हो जाए आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक, अभी आया मैं, रुक रुक जा। क्या हुआ मालकिन? मैं बाहर जा रही हूँ। मालकिन, इतनी रात को आप अकेली जा रही हो? मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, मुझे अकेले ही जाना है, तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा, मैं जा रही हूँ। अरे मालकिन सुनिए तो, मालकिन मालकिन। अरे क्या हुआ मालकिन, कहाँ जा रही है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? सुनो, अब हम दोनों अपना काम प्यार से करते हैं, ठीक है? वो अपनी खुशी के लिए बाहर चले गए तो हम अपनी खुशी के लिए अंदर चले जाते हैं। चलो ना, चलो ना, आओ ना, आओ ना, मुझे बाप बना दो ना। वो तो अपने घर के पास का ही, चल कर देखता हूँ। अरे इतना अच्छा मूड बना था, बेल बजाने की क्या जरूरत थी? मालकिन है क्या? अरे यार किसकी मालकिन? मैं तुम्हारी मालकिन की बात कर रहा हूँ। अरे मेरी मालकिन कल रात से घर नहीं आई। वो कार में है, उतार कर ले आओ। कार में है क्या? सर बात क्या है? कुछ नहीं, कल रात को वो मेरे घर के पास बेहोश पड़ी थी, पता देख कर यहाँ ले आया। कहना रेस्ट करें और डॉक्टर को बुला लेना। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आराम से ले जाओ अंदर, ऊपर के कमरे में ले जाना। मालिक भी आ गए। ये यहाँ किस लिए आया था? यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? ये कौन था, यहाँ किस लिए आया था? मालिक, मालकिन इनके घर के सामने बेहोश हो गई थी, इसलिए साहब मालकिन को लेकर अभी आए हैं। बेहोश हो गई थी? मालकिन कहाँ है? ऊपर है। लीना, इतनी तेजी से जा, लीना पता नहीं क्या होगा। कल नशे में गाड़ी कहाँ छोड़ी थी? जहाँ तक मुझे याद है यही आस पास कहीं छोड़ी थी। वो रही कार, वहाँ खड़ी है। अब जब भी शराब पीऊंगा तो थोड़ी सी इसे भी पिला दूंगा, फिर रास्ते में बंद नहीं होगी। इधर आ। ये सब जानती है क्यों हो रहा है? उनकी शादी होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, हमारी शादी के बाद हमारे बीच भी कुछ नहीं हुआ। अगर हम दोनों के बीच में कुछ हुआ ना तो हम दोनों माँ बाप बन जाएंगे, इसलिए हम दोनों का मिलन होना बहुत जरूरी है। हुँ। 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 हुँ।
स्टॉप द कार। कार रोकने के लिए क्यों कहा? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं लीना, जवाब दो। मैं इस जगह को पहले देख चुकी हूं। इस जगह को? हाँ। क्या कह रही हो? हाँ, मैंने ये जगह देखी है। बेकार की बकवास मत करो लीना। लीना, लीना, बेकार में गुस्सा क्यों हो रही हो? अब तुम यही कहना चाह रही हो ना कि तुमने ये जगह पहले देखी है? हाँ, सच में मैंने ये जगह देखी है। आर यू श्योर? आई एम श्योर। तुमने ये जगह जरूर देखी होगी, मैंने खुद ये जगह कई बार तुम्हें फोटो में दिखाई है, वहीं पर देखी होगी। नहीं, मैं यहाँ पर आई हूँ। बेकार की बातें मत करो लीना। गौतम, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? अब मैंने क्या कह दिया जो तुम इतना नाराज हो रही हो? ये टू मच है लीना। लीना, लीना, मेरी बात सुनो लीना। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाय लीना। नरेंद्र अंकल, कैसे हैं? आप मुझे घर तक ड्रॉप कर सकते हैं? श्योर, गेट इन। थैंक यू। एनी प्रॉब्लम? मैकेनिक को भेजूं? लीना। हाय गौतम। लीना, चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठो। अंकल, आप मुझे ड्रॉप करेंगे यहाँ चलकर जाऊं? सॉरी गौतम। लीना, 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 शिट। हेलो, 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 कौन बात कर रहे हैं? इंस्पेक्टर शिवा बोल रहा हूँ। बोलिए इंस्पेक्टर। आप कहाँ हैं? बाहर हैं क्या? घर पर नहीं है क्या? हाँ, मैं बाहर हूँ इंस्पेक्टर। आपकी वाइफ कहाँ है? वो घर पर होगी इंस्पेक्टर। मैंने उन्हें फोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं है। आप जरा ट्राई कर सकते हैं? ठीक है, मैं अभी उसे ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा अर्जेंट है। ओके। हेलो, हेलो, हेलो लीना। हेलो, मैं इंस्पेक्टर शिवा बोल रहा हूँ, समझे नहीं? ओह सॉरी इंस्पेक्टर, मैंने लीना की जगह आपको कॉल कर दिया। नहीं, आपने लीना के नंबर पर ही कॉल किया है। तो फिर मेरी वाइफ का फोन आपके पास कैसे? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी वाइफ का फोन नरेंद्र के घर पर कैसे है? ओह ऐसी बात है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, कैसे है बोलिए। कल नरेंद्र मेरी वाइफ को ड्रॉप करने गए थे, हो सकता है वहाँ छूट गया हो। ओह अच्छी बात है, आपकी बात सच है, ये बताने के लिए नरेंद्र जिंदा नहीं है। आप क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? मैं क्या कह रहा हूँ ये समझना चाहते हो तो फौरन नरेंद्र के घर आ जाओ। मैंने कल भी देखा था, बिल्कुल ठीक थे। बॉडी को सबसे पहले तुमने देखा? हाँ सर, हमेशा की तरह सुबह जब काम पर आया तो कॉलिंग बेल बजाई लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। फिर मेरे पास जो चाबी थी उससे दरवाजा खोला तो देखा मालिक वहाँ पर इस हालत में पड़े थे, तो उसके बाद मैंने आपको फोन कर दिया।
अपना फोन देना। ये लीजिए सर। किसी को डायल किया है। पासवर्ड ब्लड मार्क है। वन टू फोर फाइव वन फाइव टू फोर वन फोर लॉक ना हो जाए। फाइव ओपन हो गया। लास्ट कॉल किसी किया है। कॉल अटेंड नहीं किया। 9944899928 No response. सर, लीना कहाँ है सर? ये बात मुझे आपसे पूछनी चाहिए। जब मैंने घर पर फोन किया तो आपने उठाया नहीं, और घर पर आदमी भेजा तो वहां पर भी कोई नहीं। मैंने आपसे बाहर न जाने के लिए कहा था, तो फिर आप गए कहाँ थे? नहीं सर, मैं बाहर गया था। सर, बाहर जा रहे थे तो मुझे बताकर जाने के लिए कहा था ना? सर, मैंने क्या किया? भूल गया सर। भूल गए थे? आज तुम पूरा दिन मेरे साथ रहो, भूलना भुला दूंगा तुम्हें। साहब। लीना, फौरन चलो यहां से। सुबह से इंस्पेक्टर ने मुझे नरेंद्र के घर पर कितनी देर बैठा है पता है तुम्हें? बाप रे, बड़ी मुश्किल से बचाया मैं। वो इंस्पेक्टर किसी भी वक्त घर आ सकता है, इसलिए मेहरबानी करके लीना जल्दी चलो। लीना तैयार हो जाओ, तुम्हारा सामान उठाकर रख लो, जल्दी करो। पहले हमें यहां से निकलना होगा, ये शहर ही छोड़ देंगे। मैंने पहले ही मना किया था लेकिन तुम नहीं मानी। मेरी फाइल्स, मेरी बुक्स सब उठाकर रखनी होगी। लीना जल्दी करो। लीना, मैं तुमसे ही कुछ कह रहा हूं। लीना, वो मुझसे ऐसे सवाल कर रहा हूं जैसे सारे खून तुमने ही किए हो। मुझे टॉर्चर कर रहा है। घर पर फोन किया तो तुमने उठाया नहीं, घर आकर देखा तो तुम नहीं थी। कहां गई थी लीना? तुमसे ही पूछ रहा हूं, तुम कहां गई थी लीना? चलो लीना, चलो, मैं तुमसे ही कह रहा हूं। लीना चलो, चलो लीना। मुझे पहले इस शहर के बारे में पता है। मैंने कितनी बार तुमसे मना किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। शादी के बाद तुमने जिद की थी कि तुम मेरा घर देखना चाहती हो। अब देखो, बेकार में मुसीबत में फंस गए हैं। हमें फौरन यहां से जाना होगा। यहां से निकलने के बाद बाकी बातें बाद में कर लेंगे। लीना, 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 तारा, लीना को देखा? मालिक, आप कहें तो बाहर जाकर देखूं? नहीं नहीं, मैं बाहर जाकर देखता हूं। ठीक है मालिक। लीना, 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 मैं मानता हूं कि तुम पहले भी यहां आ चुकी हो लेकिन पहले हमें यहां से निकलना होगा। लीना,
अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे लीना। लीना प्लीज, लीना, लीना, लीना। लीना, 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 हिलना मत गौतम। तुम वहां से बचकर नहीं गए, मैंने ही तुम्हें बचकर जाने दिया ताकि आपके जरिए लीना को पकड़ सकें। लीना, तुम बच नहीं सकती हो, तुम्हें हमने घेर लिया है। हमें पता है कि दोनों खून का आपसे संबंध है। डोंट ट्राई एनीथिंग स्मार्ट। वो जहां देख रही उस जगह की फौरन खुदाई करो। इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं, समझ गई तुम? नरेंद्र और शशि कुमार की मौत जहां हुई उस जगह तुम भी मौजूद थी। तुम जहां थी वहां एक कंकाल मिला है। या तो इस खून को करने वाले के साथ आपका कोई संबंध है, या फिर यह खून किसने किया है आप जानती हैं, या फिर यह खून आपने ही किया है। इंस्पेक्टर, इसने नहीं किया होगा। गौतम, खून इन्होंने ही किया है। ये खून क्यों? खून इन्होंने ही किया है। नहीं किया है गौतम, इन्होंने ही किया है खून। इंस्पेक्टर, इसने नहीं किया। मैंने कहा ना गौतम, इन्होंने किया है। कह रहा हूँ, इसने ही किया है खून। इंस्पेक्टर, ये नहीं कर सकती। डैम इट, ही इज द वॉट। कहा ना कि ये नहीं। तो फिर वो कंकाल किसका है? कंकाल मेरा ही है। हाँ बिल्कुल, मेरा ही कंकाल है। लीना कह रही है कि वो मर चुकी है, क्या आत्मा पूर्व जन्म की कहानी है? रिलैक्स इंस्पेक्टर, लीना का पूरी तरह चेकअप करने के बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ, आप जरा रुकिए। कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक और पर्सनालिटी है। ये क्या डॉक्टर, आप भी भूत प्रेत आत्मा इन सब पर विश्वास करते हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इसे मेडिकल साइंस में स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, अब तो इसे सभी लोग मानने लगे। ये हो सकता है, वो हो सकता है, मैं सुनना नहीं चाहता डॉक्टर। जो भी बात है क्लियरली बताइए डॉक्टर, या फिर छोड़ दीजिए, मैं खुद पता लगा लूंगा, समझे आप? डॉक्टर को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं।
जो भी खून हुए हैं सब जगह तुम मौजूद थी। जब तीसरे खून के बारे में पूछा तो कह रही हो कि मरने वाली तुम ही हो। डॉक्टर ने पूछा तो कुछ नहीं पता कह रही हो। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? बोलो, टेल मी, बोलो बोलो, टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। इंस्पेक्टर, टेल मी, टेल मी, ये मेरी पेशेंट है। ये क्या किया डॉक्टर? आप नहीं रोकते तो ये सच्चाई बता देती। जब उसे कुछ याद ही नहीं है तो ये आपको क्या बताएगी? बताइए मुझे। मैं अपने तरीके से पूछताछ करूंगा तो सारी सच्चाई बता देगी। कुछ भी हो लेकिन ये पूछताछ करने का तरीका नहीं है। आप चाहें तो किसी और से पूछताछ करवा सकते। मुझे किसी और से पूछताछ करवाने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मैं तो खुद पर भी भरोसा नहीं करता। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। आर यू ओके? डोंट वरी, अगर तुम कहो तो मैं गौतम को बुला लूं। डॉक्टर, मैं इस केस को अकेले ही सुलझा कर दिखाऊंगा। डॉक्टर ने तुम्हें दो दिन में डिस्चार्ज करने के लिए कहा है। बस मेंटल डिप्रेशन है, तुम चिंता मत करो। मेडिसिन और खाना रखा है तुम्हारे लिए, खाकर आराम कर लो, जागती मत रहना। तुम्हें मैं इस हालत में कभी भी देख नहीं सकता। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूं। लीना, मेरे लिए एक काम करोगी? थोड़ा मुस्कुराओ। तुम्हें मुस्कुराता देखकर मुझे चैन आता है। ठीक हो ना? चोट तो नहीं आई? संभाल कर, संभाल कर, आओ आओ आओ, अस्पताल चलते हैं। रहने दीजिए सर, चलो। कोई बात नहीं, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है सर। ठीक है, मैं खुद तुम्हें अपनी कार से ड्रॉप कर देता हूँ। जाना कहाँ है बता दो। चलो 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 चलो, बैठो अंदर बैठो। ब्रदर, तुमने जो जगह बताई थी वो आ गई। ओके सर। थैंक यू सर। ओके ओके। सुनो, तुम्हारा फोन। सॉरी सर। इसे कहीं देखा है? थैंक यू सर, बाय सर। यस, इनका नाम गीता है, गोपी वर्मा की पत्नी है। सर, मिसिंग केस है, 3 दिन से घर बंद है, कंप्लेंट आई है। नाम? गोपी वर्मा सर। ओके, फौरन एड्रेस भेजो। ओके सर। यस,
इन्हें मैंने गोपी वर्मा के घर में लगी फोटो में देखा है। मेंटली अफेक्टेड पर्सन, उस दिन इसे ही ड्रॉप किया था। यह मिसिंग है। गोपी वर्मा का अपनी बीवी पर शक करना ही उनकी दिमागी हालत खराब होने का कारण था। उसकी वाइफ का फोटो इसके पास है, इसका मतलब इससे पूछताछ करने से जिस गोपी वर्मा का केस सुलझा नहीं है वो सुलझ जाएगा। ये क्या इंस्पेक्टर, आप यहाँ? इधर आ। तेरा और गोपी वर्मा की वाइफ का क्या रिश्ता है? तुम दोनों के नाजायज संबंधों के कारण ही गोपी वर्मा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। क्या है, सच बता। बस कीजिए सर, हमें और बेइज्जत मत कीजिए। जानते हैं गीता कौन थी? मेरी बड़ी बहन। बड़ी बहन? मेरा नाम रवि है और मेरी बहन का नाम गीता है। वो रोज शराब पीकर मेरी बहन को परेशान करता था, मारता था। मेरी बहन की जिंदगी नरक हो गई थी सर। एक दिन भी मेरी बहन चैन से नहीं जी पाई सर। मेरी बहन ने बहुत जुल्म सहे सर। इतना ही नहीं सर, एक दिन शराब के नशे में उसने मेरी बहन का गला दबाकर मार दिया सर। वो खुद को हमेशा जवान लड़का समझता था, शायद इसलिए ही वो किसी भी कम उम्र की लड़की को नहीं छोड़ता था। उसके खिलाफ मेरी बहन ने आवाज उठाई तो उसे जान से मारकर पागल होने का नाटक कर रहा था। अब आपको पता चला कि गीता और मेरा क्या रिश्ता है, इसीलिए तुमने उसे जान से मार दिया? नहीं, मैं उसे मारने के लिए ही वहां गया था, लेकिन वहां ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने रीना को वहां देखा? हाँ, लीना को वहाँ देखा था, इसलिए लीना से मिलने के लिए अस्पताल गया। उसका और गोपी वर्मा का क्या रिश्ता है ये जानना चाहता था मैं। वहीं मेरी मुलाकात आपसे हुई। नरेंद्र, शशि कुमार, इनको तुम जानते हो? आपने जिनके नाम लिए मैं उन्हें नहीं जानता सर। तुम्हारी बहन गोपी वर्मा को कितने सालों से जानती थी? 3 साल से। और तुम्हें? 2 साल से। गोपी वर्मा की बॉडी कहाँ है? मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उसे अपने हाथों से। जानते हो इसकी सजा क्या मिलेगी? हाँ जानता हूँ सर, जानकर ही मैंने ये सब कुछ किया है सर। चाहे कोई भी सजा हो सर, भुगतने के लिए तैयार हूँ मैं। आइए इंस्पेक्टर, आपने कहा था कि आप केस के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। इस केस के अलावा आपके पास कोई दूसरा केस नहीं है क्या?
एक केस की जगह तीन केस देकर आपने मुझे गवर्नमेंट से भी ज्यादा बिजी कर रखा है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जो चाहिए पूछिए। आप यहीं रहते थे ना? हाँ। तो फिर यहाँ से क्यों चले गए आप? बस हालात ही कारण थे। ये बताओ कि आप लीना को कैसे जानते हो? दरअसल डीएसटी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं प्रोफेसर था और लीना वहाँ स्टूडेंट थी। इसका मतलब है कॉलेज लाइफ से ही लैब करके शादी की है? नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता था। लीना ने फोर्स करके मुझसे शादी की। मैं भी लीना को मना नहीं कर पाया। शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? वो मेरी पर्सनल बात है। ये बताइए, आपकी वाइफ ने कभी आपसे झूठ बोला है? नहीं बोला। यही झूठ है। बिना माँ बाप की लीना के माता पिता कैसे हो सकते हैं? उन माता पिता के दो मरे हुए लोग कैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं? आप अकेले हैं इंस्पेक्टर, इसलिए आपको रिश्तों की अहमियत नहीं पता है। मुझ जैसे अनाहत के लिए लीना ही सब कुछ है। उस पर गलत इल्जाम मत लगा। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लीना के माता पिता नहीं है, यही कह रहा हूँ। जानते हो तुम इन दोनों का क्या रिश्ता है? नहीं जानते हो तो वो भी बता देता हूँ। ये दोनों असल में पति पत्नी हैं। पैसों के लिए आपसे झूठ बोल रहे हैं। इनके बारे में बताना मेरा काम नहीं है। गौतम, आपके आसपास क्या हो रहा है पहले ये जानने की कोशिश कीजिए। मालिक, वो सच कह रहे हैं। अगर हम पति पत्नी बोलकर काम पर जाते तो हमें कम पगार मिलता सर, इसलिए आपसे झूठ बोला। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए सर। पहले यहाँ से चले जाओ। अबे, वो हमें बाहर जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, अंदर जाने के लिए कह रहे हैं। चलो चलो, आ जाओ। जो दो खून हुए हैं, दोनों में जो सबूत मिले हैं, उनमें से एक है मोर का वो पंख और दूसरा है वो फोन नंबर जिस पर नरेंद्र ने मरने से पहले फोन किया था। उस नंबर के डिटेल्स मांगे थे। ओह, भेजे हैं उसने। गोपी वर्मा। इसका मतलब है नरेंद्र ने आखिरी बार गोपी वर्मा को फोन किया है। इसका मतलब है नरेंद्र, गोपी वर्मा और शशि कुमार दोस्त थे। शशि कुमार और नरेंद्र के खून में शक के दायरे में आने वाली लीना का संबंध गोपी वर्मा के खून से भी है, ऐसा रवि पहले ही कह चुका है। अब नरेंद्र ने गोपी वर्मा को जो फोन किया था, उसे ट्रेस करने से इस केस को सुलझाने में मदद होगी। हेलो, मैंने अभी दो नंबर भेजे हैं। उन दोनों नंबरों की आखिरी कॉल को ट्रेस कीजिए। व्हाट्सएप पर डिटेल्स भेजिए इमीडिएटली। इसका मतलब है कि इन तीनों हत्याओं में लीना का हाथ है, लेकिन लीना से पूछताछ नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वो मेडिकल ट्रीटमेंट में है। हेलो, बोलिए डॉक्टर। बिजी है इंस्पेक्टर? नहीं तो जरा अस्पताल तक आ जाइए, केस के बारे में कुछ बात करनी थी। इट्स अर्जेंट। ऐसी बात है तो अभी आ रहा हूँ। जो कंकाल मिला है वो करीब 20 साल पहले मरी हुई किसी लड़की का है। मरते समय उस लड़की की उम्र 15 या 16 साल की रही होगी। मतलब 2000 या 2001 की बात होगी डॉक्टर। यस, सही कहा। अगर हम उस साल मरने वाली बच्चियों की लिस्ट देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई सुराग मिल जाए। ओके डॉक्टर। रिकॉर्डिंग मांगी थी वो भेज रहा हूँ सर, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है, मैं सुनकर बताता हूँ। ओके सर। वर्मा, तू
लीना यहाँ क्यों बैठी हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? डॉक्टर ने कॉल किया है, मैं जाकर मिलकर आता हूँ। तुम्हारी जरूरतों की चीजें यहीं पर हैं, अलमारी में रख रहा हूँ, जब चाहिए निकाल लेना। तुम्हारी दोस्त दिव्या ने कॉल किया था, मैंने बता दिया कि तुम अस्पताल में हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अस्पताल से घर जाते ही एक बार उससे बात कर लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? सब लोगों को बस लीना 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 ही पड़ी है। तुम ठीक हो जाओगी तभी सबको खुशी होगी। बार बार लीना लीना करना बंद करो। हा? ये मेरा नाम नहीं है। May I come in, doctor? Come in. लीना के बिना बहुत मुश्किल हो रही होगी ना? लीना को कब डिस्चार्ज करेंगे डॉक्टर? गौतम, लीना को अरेस्ट करने के लिए इंस्पेक्टर इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए लीना को यहीं पर रखना सेफ होगा। लीना को कुछ भी नहीं पता है डॉक्टर, उसका इस खून से कोई लेना देना नहीं है, फिर वो कैसे जिम्मेदार हो सकती है? गौतम, अपनी पत्नी के खिलाफ गवाही मत दो, बाहर जाकर इस तरह की बातें भी मत करना, समझे? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम दोनों को अभी क्या चाहिए। ये क्या डॉक्टर, दवा का नाम होगा सोचा, पर यहाँ पर तो अपने शहर के नाम लिखे। फिलहाल तुम्हारे लिए यही दवा है, तुम लोग शादी के बाद कहीं गए नहीं हो, इसलिए यहाँ जाओ, मैं इंस्पेक्टर से बात कर लूंगा, ठीक है? स्कूल की छात्रा लापता? सर, इसमें से बस एक ही है, बाकी सब जा चुके हैं सर, सब चले गए, बस एक लड़की यहाँ पर है। आपकी बेटी के साथ पढ़ने वालों की फोटोज हैं क्या? हाँ सर, लाया लाया, लेकर आइए। ठीक है, आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा यहाँ पर आएंगे, कोई खास बात हो तो हमें फोन कर लेना, ओके? भास्कर सर, इधर आइए। 20 साल से जो ऊपर वाले हैं, हाँ कहिए, उनसे पूछताछ कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ गए ना? ओके जाइए। ओके सर। सर, ये मेरी बेटी है और ये सब उसके साथ पढ़ने वाले, ये फोटो स्कूल में ली गई है सर। ओ अच्छा, तो ये सब आपकी बेटी के साथ पढ़ते थे? हाँ सर। अब ये सब इसी शहर में है ना? नहीं सर, बस यही शहर में है, बाकी तो जा चुके हैं, इसमें ये एक लड़की लापता हो गई थी सर। उस साल मरने वाली लड़कियों के साथ साथ लापता लड़कियों के बारे में भी पता लगाना होगा। हेलो, मैंने अभी एक फोटो भेजा है, उसमें से एक लड़की लापता है। उस लड़की को मैंने फोटो में मार्क किया है, मुझे उस लड़की के डिटेल्स जल्द से जल्द चाहिए, फौरन भेजिए। ओके। सॉरी गौतम, लेट नाइट आपको डिस्टर्ब किया मैंने। आपने खुद ही कह दिया कि देर रात हो गई है, खैर आपका घर तक कैसे आना हुआ? वो आपसे बात करने के बाद ही बता सकता हूँ। आइए बात करते हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर, मुझे लगा घर पर बात करेंगे, लेकिन आप तो यहाँ ले आए। इस केस के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। अरे यार, इस केस के बारे में बहुत बात कर चुके हैं इंस्पेक्टर, मैं बहुत थक गया हूँ, जो भी हो सुबह बात करेंगे, ठीक है? वो उस दिन आपने पेड़ को देखकर कुछ बात कही थी, वो क्या थी? शायद अशोक ऐसा ही कुछ कह रहा था, शायद यात्रा थी। हाँ,
मालिक छोड़ दीजिए सर, मर जाएंगे सर, छोड़ दीजिए सर, छोड़िए सर, सर सर जाइए सर, हमेशा मुसीबत खड़ी करने के लिए चले आते हैं, जाइए सर, सुबह बात करेंगे, आइए मालिक, जाइए सर, चलिए मालिक। हेलो हेलो, आ रहे हो बेटा, आओ आओ, इंस्पेक्टर भी आ गए हैं, आओ आओ, ओके आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। वो आपकी बेटी का फ्रेंड है? हाँ, फ्रेंड भी है और साथ में पढ़ते भी थे। हाँ, वो इसी शहर में रहते हैं? हाँ हाँ सर, इसी शहर में रहते हैं, इतना ही नहीं यहाँ पर उनकी दुकान भी है सर। अच्छा, नहीं सर, दूसरी भाषा बोलने वाली लड़की से शादी कर ली है, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। 2 महीने के लिए गांव जाना चाहते हैं, मुझे लगता है शायद ऐसा करने से हमारी ज़िंदगी बदल जाए, अगर आपकी अनुमति हो तो हम हो आए क्या? अच्छा ठीक है, अभी पैसे लेकर आता हूँ। बहुत खुशी की बात है मालिक। ये मैं हूँ, ये सत्या है, ये किशोर और ये सर की बेटी जिसकी मौत हो गई है, और ये वो लड़की है जो लापता हो गई है। कंफर्म हो ये वही लड़की है? हाँ सर। लीना लीना लीना, लीना? लीना लीना, इस लड़की का नाम क्या है? लोका सर। सर, लापता होने से पहले लोका मेरे फ्रेंड से प्यार करती थी, ये बात सिर्फ मैं जानता था। और उसका नाम? गौतम। ना पसंद करते हो कि मुझे देखे बिना एक पल नहीं रह सकते। लोका, मैं तुम्हें कितने दिनों से अकेले में बात करने के लिए बुला, तुम हमेशा टालती रही। चलो कम से कम आज तो वो दिन आ गया। ए, वहाँ देखो। ए, लोका लोका,
लोका रुको, लोका रुको, लोका। हाँ, ये कहाँ चली गई? लोका, लोका, लोका। शिट, ऐसा डराया मत करो। तुम मुझे इतना पसंद करते हो कि मेरे बिना रह नहीं सकते? मैं तुम्हारे बिना थोड़ी देर भी नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगी तो भला किसके साथ करूंगी? हे, ये सब क्या है? ये ना मोर पंख है, इसे बुक में रखने पर ये बच्चे देते हैं। बच्चों जैसी बातें मत करो। हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाने दो, मैं तो छोटी बच्ची ही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे बहुत पसंद करते हो ना, तो मैं जो कहूँगी वो करोगे ना? तुम्हारी बातों से लग रहा है जैसे तुम कोई टेस्ट रखने वाली हो। अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मुझे ना आम खाने की इच्छा हो रही है। आम? पर वो यहाँ पर कहाँ मिलेगा? वो मुझे कुछ नहीं पता, जहाँ से भी मिले वहाँ से लेकर आना। लेकिन एक शर्त है, मैं 1 से 100 तक गिनूंगी, और उस बीच अगर तुम नहीं आए तो मैं सोचूंगी तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तुम्हारी इस मुस्कान के लिए ही ले आऊंगा। ठीक है। काउंट करो। 1, 2, 3, 4 तौर पर देखा था, उन्हें यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हो गई। कोई और होगा सोचकर मैं बहुत डर गई थी सर। यहाँ क्या कर रही हो? पढ़ने के लिए आई थी सर। ओ, ये बात है, क्या पढ़ रही हो? हाँ, ये क्या है? ये ना, ये मोर पंख है, किताब में रखने से बच्चे देते हैं। बच्चे देते हैं? बच्चे कैसे होते हैं ये हम तुम्हें सिखाते हैं। सर, मेरा फ्रेंड आम लेने गया है, वो आते ही मैं चली जाऊंगी। ये क्या गलत सलत बोल रही हो? हमारे सिखाने के बाद ही तुम आम खाओगी? क्यों, ठीक कहा ना मैंने? तुम्हें आम बहुत पसंद है ना? मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे जाना है।
मुझे छोड़ दीजिए सर। सर मुझे घर जाना है सर, छोड़ दीजिए मुझे। हाथ पकड़ो। चुप कर, पकड़ के रखो इसे। इसे मेरे घर के पीछे ले जाकर दफना देते। कैसे? इसमें नई बात क्या है? आज से पहले जो करते आए हैं वही करेंगे। राम की कार में इसे ले जाएंगे, ये लापता लोगों की लिस्ट में आ जाएगी और बाद में मरे हुए लोगों की लिस्ट में। ठीक है, जल्दी उठाओ इसे। ओके, चलो सोचो मत, उठाओ उठाओ। जब से देखा था मेरे दिल में आग लगी हुई थी, अब चाकर आग बुझी है। मुझे पूरा विश्वास था कि इस तरह का कोई जरूर फ्लैशबैक होगा, इसलिए इस फोटो को देखते ही मुझे पता चल गया कि तुम कोडैकनाल हाई स्कूल में पढ़े थे, लेकिन तुम्हारे बचपन की मुझे कोई तस्वीर नहीं मिली। तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए मैं शहर गया, लेकिन वहाँ मेरे पहुँचने से पहले तुमने सारी डिटेल्स मिटा दी। बचपन में मैंने जिन्हें देखा था उन्हें दोबारा यहाँ देख कर मुझे डर लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, इसलिए मैंने लीना से कहा कि हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन लीना नहीं मानी। उसके बाद एक एक करके लोगों की मौत होने लगी तो मुझे डर लगने लगा। मुझे पता था कि मेरे आसपास जरूर कुछ हो रहा है। मैं नहीं चाहता था कि जैसे लोका मुझसे बिछड़ी वैसे लीना भी मुझसे दूर हो जाएगी। जिस लोका से इतना प्यार करते थे उसकी मौत को तुमने छिपाया क्यों गौतम? बोलो, लोका के बारे में क्या जानते हो? लोका को आखिरी बार कब देखा था? देखिए, बच्चे को इस तरह से डराइए मत, ये पढ़ने वाले बच्चे, छोटा लड़का है, बिना डराए भी पूछ। अच्छा, छोटे बच्चे हैं लेकिन लव करेंगे। ये क्या है सर, आप भी इस तरह की बात कर रहे हैं? लोका और मेरा बेटा एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे। जब वो लापता हुई तब मेरा बेटा घर पर ही था, आप चाहे तो पता कर लीजिए। आप ही बात किए जा रहे हैं, आपका बेटा तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। गौतम, खुद इनको सारी बात बताओ। बोलो बेटा बोलो, लोका को आखिरी बार कब देखा था? मैंने लोका को आखिरी बार स्कूल में क्लास में देखा था, उसके बाद मैंने नहीं देखा, मैं कुछ नहीं जानता। देखो गौतम, तुमने मुझे जो बात बताई, अगर तुम पुलिस को बता देते तो तुम्हारी लाइफ ही बर्बाद हो जाती, इसीलिए मैंने कुछ भी बताने से मना किया था। तुम चिंता मत करो बेटा, हम लोग ये शहर ही छोड़कर चले जाएंगे। ए जी चलिए, हम शहर में अपने भाई के घर चले जाते हैं। पागल हो गई हो क्या? यहाँ का काम छोड़कर शहर कैसे जा सकते? आपको अपने बेटे से ज्यादा यहाँ का काम जरूरी है क्या? पहले यहाँ से निकलने का इंतजाम कीजिए, शहर चलोगे तो मेरे भैया सब ठीक कर देंगे। जो हुआ उसके बारे में मत सोचो, तुम्हारा फ्यूचर ही ज्यादा जरूरी है। शहर जाते समय मेरे माता पिता एक्सीडेंट में मारे गए, उसके बाद मेरे मामा जी ने ही मेरे देखभाल की। लोका को खोने के बाद मैं किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैंने शादी लोका से ही की है या लीना से की है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर। पता नहीं सर क्या करूं मैं। कुछ भी हो, अब ये बात कन्फर्म हो गई है कि ये तीनों खून लीना ने ही किए हैं। खूनी को बचाने के जुर्म में तुम्हें भी सजा मिलेगी गौतम, तैयार रहना। उसके साथ गलत काम करके फिर उस लड़की की हत्या हुई। मैंने शक के बिना पर पकड़ा लीना को। लोका से प्यार करने वाले गौतम ने लीना से शादी की, ये सब किस लिए हुआ? बहुत सिंपल, जो जिंदगी लोका नहीं जी सकी वो लीना बनकर जी रही है। आप फिर से शुरू हो गए। आपने जो कहा वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ इंस्पेक्टर। ओके, ये आत्मा की कहानी यहीं रहने दीजिए। मेरे पुलिसिया दिमाग में एक बात आ रही है, वो ये है कि
शायद लीना ने गौतम से शादी उसके साथ रहने के लिए नहीं, उसका खून करने के लिए की हो तो। लेकिन लीना गौतम का खून क्यों करेगी? किसी का बलात्कार करके खून करना जुर्म है, तो उस जुर्म को छिपाना भी तो जुर्म है। यस, आई गॉट इट। इंस्पेक्टर, बोलिए इंस्पेक्टर। गौतम, आप अभी फ्री हो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपको सब बता चुका हूँ। वो बात ये है। आप और क्या जानना चाहते हो? वो बात ये है गौतम कि क्या लीना ने तुम्हारे साथ वायलेंटली बिहेव किया? जरा सोच कर बताइए। आज तक लीना ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया है, लेकिन आज वो मेरे साथ ऐसा करेगी मुझे लग रहा है। क्यों? आज वो ऐसा क्यों करेगी? बहुत सिंपल बात है इंस्पेक्टर। साफ साफ कहो गौतम, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ है? आज ही लोका की मौत हुई थी। क्या कह रहे हो गौतम? तुम घर पर ही हो ना? सावधान रहना, मैं बस वहाँ पहुँच रहा हूँ। वो जो सजा देगी मैं लेने के लिए तैयार हूँ इंस्पेक्टर। बेवकूफों की तरह बात मत करो। गौतम, गौतम, शिट, गाड़ी भी खराब हो गई है। कैन यू हियर मी गौतम? शिट। हेलो ब्रो, प्लीज लिफ्ट। क्या बात है, बोलिए। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे जरूरी काम से जाना है। हमने जहाँ समय बिताया उस जगह को देखता रहूं, इसलिए ही उस पेड़ के पास वाले घर को खरीदा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला लोका, बचपन में मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब आ गई, मैं सबके लिए तैयार हूँ। लीना, 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 लोका, लोका,
लोका, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लोका। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, या मेरी जान ले लो। गौतम, गौतम, दरवाजा खोलो। लीना, लीना, दरवाजा खोलो। हेलो, दरवाजा खोलो। लीना, स्टॉप इट, चाकू नीचे फेंक दो। लीना, लीना, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लीना, लीना, ऑर्डर ऑर्डर। कोई भी जुर्म साबित ना होने के कारण ये कोर्ट लीना को बेगुनाह मानकर बेइज्जत बरी करती है। आइए इंस्पेक्टर, बैठिए। थैंक यू। बोलिए इंस्पेक्टर। मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं जा रहा हूं, लेकिन अभी भी मुझे आपके केस में डाउट है। कैसा डाउट? मेरे ख्याल से सभी लोगों का मानना है कि सारी हत्याओं के पीछे लोका का हाथ है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। कोर्ट ने खुद मुझे एक साल ट्रीटमेंट में रखकर रिहा कर दिया है, फिर भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है? मेरा ऐसा मानना है तुमने ही लोका का अभिनय करके सारे खून किए हैं। मैंने अपने पति गौतम से शादी की थी खुशी से जीने के लिए, उसे मारने के लिए नहीं। लोका के बारे में मुझे आप लोगों के बताने के बाद पता चला है। मैं समझ सकता हूँ लीना, तुम अकेली जिंदगी में बहुत दुखी हो, लेकिन तुम्हें दिलासा देने वाला भी कोई नहीं है। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। पहले ऐसा मुझे भी लगता था कि अकेले सब कुछ जीता जा सकता है, एक जीवन साथी की कितनी जरूरत होती है। केस खत्म हो गया है, फिर भी पर्सनली मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता ही रहूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है। टेक केयर, बाय। मालकिन, मालिक को कुछ चाहिए क्या? आज के बाद मालिक की सारी जरूरतों का ख्याल मैं रख लूंगी। ठीक है मालकिन। सब लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारा खून करने आई हूँ, लेकिन कसम से मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगी हमेशा। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर लोका है या नहीं, लेकिन मेरे अंदर तुम हो और तुम्हारे लिए मैं हूं। जो जिंदगी मैं आपके साथ लोका बनकर जीना चाहती थी वो लीना जी रही है, तो जो लोका को करना था वो भी लीना को ही करना पड़ेगा। इसीलिए तुम दोनों को शहर से यहाँ बुलाया। मुझे खोने के दुख में तुम शादी नहीं करना चाहते थे, फिर तुमने जब लीना से शादी करने का फैसला किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब तुमने मेरे हत्यारों को मारा ये देखकर मैं बहुत खुश हुई।
बचपन में मेरे लिए तुम जो नहीं कर पाए वो अब करते हुए देखकर मुझे बहुत गर्व हुआ। मुझे पता चल गया। कि तुम अब भी लोका को नहीं भूले। लीना के अंदर रहकर मैं जो करना चाहती थी वो तुमने कर दिया, लेकिन तुम्हारे साथ जीने के जो सपने देखे थे वो पूरे नहीं हुए। इस बात से दुखी थी। जब मैंने देखा कि तुम मुझे खोकर अकेलापन झेल रहे हो तो मैंने तुम्हें अपने साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन इतने में तुम्हें गोली लग गई और तुम घायल हो गए और मुझे देखने के सदमे से बेहोश हो गए। तुम्हें मार कर तुम्हारे साथ रहने से अच्छा था कि तुम मेरी याद में जियो और खुश रहो, ये मुझे ज्यादा पसंद है। मैं लोका और मेरा दूसरा जन्म लीना, हम दोनों तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेंगे। मुझे नहीं जानते कहा था ना, अब देखो तुम्हें मेरे सिवाय कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ।